तो नमस्कार भाई और उनकी भाभी हो। तो गाइस आप सबका स्वागत है पोकेमोन फायरस के ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सिनोह जर्नी को। और यहाँ पे हमें अपना फोर्थ जिम बैटल भी होगा, पेस्ट्रोया सिटीजन लीडर क्रसर वैक। ओके, लेकिन अभी ये सब खड़े हुए शायद ये क्रोगंग जैसे दिख रहे हैं, बट लेट्स चेक इट आउट। ये बैटल करेगा ब्रॉक, मेरे को पता तो है। सो आई थिंक इन्फर्नेव अब सही रहेगा। और हाँ गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में इन्फर्नेव को इवॉल्व कर दिया, मतलब मॉन्फर्नो के इन्फर्नेव को इवॉल्व कर दिया था मेट्रोगंग फेस्टिवल में, नर्स जॉय को एम्ब्रॉस करने के लिए गया था, लेकिन उसने मुझे नोटिस तक नहीं किया। ओके सो गाइस, चलो लेट्स गो। अरे नहीं, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मुझे डीग इस्तेमाल करना होगा जल्दी से। और गाइस, हो सके तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो मुझे बताना, मतलब यार मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि जिस वजह से मैं लाइक ले पाऊँ तुम लोगों की, मतलब क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। सुपर इफेक्टिव क्योंकि वो पॉइजन टाइप था, मतलब ग्राउंड टाइप में पॉइजन टाइप है, पावरफुल रहते हैं। एक सूडो वुडो के लिए ग्रोटल सही रहेगा। आई थिंक इस एपिसोड में हमें ग्रोटल को भी इवॉल्व कर देना चाहिए टॉर्टेरा में, फिर बाद में हमें एक। और हाँ गाइस, मैंने कुछ नए मूव सिखाए अपने पोकेमॉन्स को, जैसे कि ग्रोटल को एनर्जी बॉल सिखा दिया है मैंने, और टॉक्सिक को टॉक्सिक भी सिखा दिया, मतलब टीएम की मदद से मैंने सिखाया ये सब मूव। अरे फिर भी डैमेज नहीं दिया यार, क्या मजाक है इससे। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से टॉक्सिक नहीं, बहुत ही बढ़िया। चलो ओके, लीड सीड अच्छा मूव है। आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू डू, लीड सीड रखो या फिर सिंथेसिस हटा देते हैं अभी के लिए, मुझे नहीं चाहिए यार सिंथेसिस। एक हैप्पी नी, अच्छा हैप्पी नी मेरे को नहीं पता, तो मैं इस्तेमाल करूँगा ग्लाइगर को। चलो ग्लाइगर को ही रख लेते हैं अभी के लिए, मतलब मैं ग्लाइगर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता इस वजह से बस। स्टील विंग ट्राई करेंगे हम। ओह डिफेंस, अरे डिफेंस बढ़ता है ऐसा है, मुझे नहीं पता था ये बात। आई थिंक स्लैश से मैच खत्म हो ही जाएगा। अरे भाई साहब, ग्रोटल इवॉल्व हो रहा है, मुझे लगा था 36 पे होगा, लेकिन 32 पे ही ये तो इवॉल्व हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। ग्रोटल इज इवॉल्विंग इनटू एक टॉर्टेरा, बहुत बढ़िया गाइस, टॉर्टेरा। अर्थक्वेक, हाँ ये सिखाऊंगा मैं, पक्का सिखाऊंगा ये मूव तो। बाइट एक अच्छा मूव है, लीड सीड भी वैसे तो अच्छा है। आई थिंक मुझे हटा देना चाहिए बाइट को, मतलब चलेगा यार बाइट का क्या इस्तेमाल करूंगा मैं। अर्थक्वेक सही रहेगा, ब्रॉक ओके। अभी ये नर्स जॉय क्यों यहाँ पे है? नर्स जॉय, मेरी क्रिसी वो जीत गई, मैं बहुत ही खुश हूँ। क्या तुम्हें वो मुझे सीखना है जिसकी वजह से हम जीत गए? वो है एक वैक्यूम वेव। ओके वैक्यूम वेव कौन सीख सकता है वैसे, नहीं सीखना यार, सीखना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। क्यों यार मेरे को नहीं सिखाना? ओके स्क्रैच हटा देते हैं अभी के लिए, बाद में वैक्यूम वेव भी हटा ही देंगे, मतलब क्या फर्क पड़ता है यार इन दोनों मूव से। ओके सो गाइस, जिम पे से तो वो क्रोगंक हट गया है, सो लेट्स गो विद जिम। जिम का टाइप का है वाटर टाइप। ओके ग्रास एंड इलेक्ट्रिक के लिए अच्छा रहेगा, मुझे रखना चाहिए टोटेरा को आगे। आवाज मुझे लगा गला बैठ गया मेरा, हो गया काम मेरा, लगता है डबल बैटल होने वाला है। अरे कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं।
अच्छा ये तो करेगा, मैं नहीं हारूंगा। पर ये आवाज को क्या हो रहा है मेरी? आवाज बैठ गई मेरी थोड़ी सी, ये वाटर टाइप थोड़ी है। बीबारल लीच से ट्राई करते हैं, ये ऑन अच्छा मूव है। बहुत ही बढ़िया, अब टॉक्सिक ट्राई करेंगे। बस मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ गाइस। सो गाइस चलो देखते लीड सीड और पॉइजन के कॉम्बिनेशन से क्या होता है। अच्छा हमारा पोकेमॉन स्लीप हो ओके। सो गाइस चलो चलते हैं। ओके मैं जीतूंगी, इसे भी हरा दिया है गाइस मैंने। किससे बात करूं, किससे करते हैं, चलो यार। ओके सही चुना मैंने, वाटर टाइप जिम है तो मुझे दिक्कत तो नहीं होगी, ये तो मेरे को पता है ये। अरे विंगल, ओके ये अच्छा पोकेमॉन है। आई थिंक मुझे स्विच आउट करना है। पिकाचू थंडर बोल्ट, बहुत बढ़िया। सैलोस इसे भी हरा ही देंगे यार, इसमें क्या है। बहुत बढ़िया, एक पोकेमोन बाकी है, गोल्डक बचा है अब सिर्फ। चलो इसे भी हरा देते हैं। तुम स्ट्रॉन्ग हो, चल भाई ले चल मुझे। क्रैशर वी वेलकम, मैं एक अच्छे बैटल का अच्छे बैटल के लिए ही इंतजार कर रहा था। मेरे पोकेमॉन बहुत ही टफ है, वो स्टॉर्मी वाटर में तैरते हैं। ओके कुछ ज्यादा ही फॉर्म में है बच्चा, नहीं पहला पिकाचू रखेंगे फिर टॉर्टेरा, तीन रखने हैं क्या? आई थिंक स्टारविया सही रहेगा, मतलब स्टारविया फ्लाइंग टाइप है तो वाटर टाइप के सामने थोड़ा एडवांटेज रहता है उसे। गायराडोस ओके चलो अच्छा हुआ। मैंने सोचा इसके साथ स्वॉम्पट ऐसा कुछ हो तो दिक्कत ना हो जाए बस। वैसे स्वॉम्पट को टॉर्टेरा भी हरा सकता था बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कुछ, इसीलिए पिकाचू को आगे रख दिया था मैंने। क्या फ्लोटजल के लिए तो वाइस टाइप मूव इस्तेमाल करता है बट नहीं कर सकता मैं गलती अभी। वैसे भी इसके पास तीन पोकेमोन है, आखिरी पोकेमोन बचा है इसका वैक्सर। वैक्सर के लिए तो टॉर्टेरा है सही वैसे भी, आई थिंक उसका नहीं वैक्सर तो वो होता है ना। लीड से ट्राई कर देते हैं अभी से क्योंकि हमारी हेल्थ कम है। आइस भी मोन नो, अच्छा हुआ मैंने सही मूव इस्तेमाल कर लिया। आई होप एनर्जी बॉल काम कर देगा। क्या एनर्जी बॉल हमें जीता पाएगा ये मैच? जी हाँ, तो हमने जीत लिया है फोर्थ जिम बैच। बहुत बढ़िया फैन बैच, ओके FEN फैन। TM कौन सा हो सकता है? एक्वाजेट वैसे पहले से ही है। बट मुझे नहीं सिखाना वैसे एक्वाजेट। सो चलो गाइस चलते हैं और आगे। पोकेमार्ट में कुछ काम नहीं है वैसे मुझे तो। अच्छा यहाँ पर बैटल नहीं करना है मुझे बेकार में, ओके उस साइड नहीं जा सकता मैं। बच्चे ना ए हसीना
यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे एक पोके बॉल है। लेट्स गो। अच्छा नीचे भी रास्ता है। अरे यार बैटल करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना, मैं नहीं आ रूंगी। दो पोकेमॉन स्ट्रीट मैरल, तो मेरे एचपी पहले से कम है। उसके पास मॉनफर्नो था, चलो बहुत बढ़िया। ग्रीफियन के लिए तो इन्फर्नेफ है मेरे पास, वैसे मैं स्टारविया को भी इवॉल्व कर दूंगा बाद में। इसी एपिसोड में करना है क्या? नीचे भी जा सकते हैं। नहीं 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 भाई गलती को नहीं करना है। तो प्रोटीन, अच्छा ये घर यहाँ पे क्यों है? ओके क्या दे रहा है? मैक्स रिपेल, मैक्स रिपेल्स। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं ऊपर की ओर। मुझे ओके ऊपर एक रास्ता है, बट यहाँ पे भी एक रास्ता है। ओके ये खो गया बैटल। ओके सो गाइस चलो और आगे चलते हैं। आई होप मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। हमने एक चीज़ मिस कर दी है इसे। इस साइड भी एक रास्ता जा सकते हैं क्या? ऐसे मुझे लगा था जा सकते हैं। एक बैटल करेगी ये, कोई बात नहीं। बी केयरफुल, वाइल्ड पोकेमोन यहीं पे है। लड़का है या लड़की इनके आउटफिट से पता ही नहीं चलता मुझे। ओके रेंजर, ओके कार्बाइन तो ग्रास टाइप है, मेरे पास भी टॉर्टेरा है तो आई थिंक इन्फर्नेप सही रहेगा। मुझे ग्रास टाइप ही लगता है, कार्निवाइन या फिर नहीं कार्निवाइन। बहुत बढ़िया, लक्सियो के लिए टॉर्टेरा सही है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक टाइप है और टॉर्टेरा के पास है अर्थक्वेक। बहुत बढ़िया, चलो स्टार लिया हो चुका है 32 का या फिर हो चुकी है, मुझे नहीं पता इनका जेंडर सी में नहीं पता मेरे को। ओ भाई साहब गैरी क्या कर रहा है यहाँ पे, चलो बात करते हैं। गैरी हे क्या तुम ऐस हो? मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा। ओह मी, मैं अपने ग्रैंडफादर के लिए यहाँ पे रिसर्च करने आया हूँ। मैं देख सकता हूँ तुम अब भी पोकेमोन मास्टर बनना चाहते हो, क्यों ना एक बैटल हो जाए। अम्ब्रियन, यार मुझे अम्ब्रियन बहुत पसंद है। क्या वो अम्ब्रियन इस्तेमाल करने वाला है सिर्फ या फिर 616? ओके वन पोकेमोन बैटल है। अम्ब्रियन, अम्ब्रियन का डिफेंस ज़्यादा होता है पता है, मुझे सही से इस्तेमाल करना होगा मूव्स। सैंड अटैक बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले मैंने इसे पॉइजन कर दिया है, पे मुझे भी पॉइजन हो गया, ये कैसे हो सकता है यार? ये गलत बात है, इसको मैं लीड सीड पर डाल देता हूँ उस पर। क्विक अटैक, ओके मैं लीड सीड दे दिया है मैंने उस पर। बहुत बढ़िया, चलो
अब अर्थक्वेक इस्तेमाल करूंगा मैं आराम से, क्योंकि डार्क टाइप पे ग्राउंड टाइप मूव पावरफुल रहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। मुझे जहां तक पता है वैसा ही होता है। किमोन फ्लोरा स्काई में एक डार्क टाइप का जिम था, इसलिए मुझे पता है ऐसा। अभी चेक करके पता चली जाएगा। वैसे भी अब अमरियन हारने वाला है। क्विक अटैक अच्छा मूव है, और क्विक देखते क्या सुपर इफेक्टिव है या नहीं। हाँ आई थिंक है सुपर इफेक्टिव, मुझे जहाँ तक पता तो है। मैं भी पॉइजन हुआ पड़ा हूँ यहाँ पे। रिवाल गैरी तुम अच्छे हो गए हो। हाँ यार अम्ब्रियन बहुत पावरफुल रहता है, मुझे पता है। रेजर फैन भाई साहब, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं आगे। ये कहाँ पे पहुंच गया मैं? और नहीं 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 बैटल नहीं, ओ ये लोग बातें कर रहे हैं, मुझे भी बातें नहीं करनी। अच्छा ये आंटी आपका क्या सीन है? पोकेमोन मैंसन में तुम्हारा स्वागत है। ओके पोकेमोन मैंसन है ये। ओके तो मैं बस यहाँ पे घूम। सो गाइस यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, अरे बैटल नहीं चाहिए मुझे। चेक नीचे भी रास्ता है वैसे, चेक कर लेते, जस्ट चेक आउट। ओके यहाँ पे वो एक पोके वाले, अच्छा हुआ मैं ऊपर आया। रोज इंसान, ये रोज से क्या होता है? अच्छा ये भी बैटल करने वाला है, कोई बात नहीं। हूट हूट यहीं पे है वो। हूट हूट मैंने टॉर्टेरा रखा है आगे। पोकेमोन स्विच आउट करना होगा मुझे स्टार लिया पे। वैसे इन्फर्नेप भी हरा सकता था, बट मैं अभी स्टारविया को इवॉल्व करने के मूड में आ चुका हूँ, इसी वजह से। इरियलेस बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही मूव इस्तेमाल किया है मैंने। माचो ओके, माचो को हराने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे पता है ये तो। सपा स्टारविया आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो भाई ये बंदा पता नहीं क्या ही कर रहा है, मुझे बैटल नहीं करना बस उससे। अच्छा ये हार्ट होम सिटी हम वापस आ गए, हम शायद यहाँ पे जिम लीडर आ चुका है वापस। ओके सो जिम में पता नहीं ये क्या कर रही है डॉन। यस मुझे पता था तुम यही आओगे, जिम लीडर अभी भी यहाँ पे नहीं है। अच्छा सेलेस्टिक टाउन कहाँ पे है? अबे ये बैटल करना चाहती है बस। सेलेस्टिक टाउन है कहाँ पे मुझे ये नहीं पता। अरे पांच पांच पोकेमोन है इसके पास तो। चलो कोई बात नहीं, एनर्जी बॉल। बहुत बढ़िया, चलो बनेरी के लिए तो फाइटिंग टाइप होना चाहिए मुझे, तो इन्फर्नेफ सही है उसके लिए। वैक्यूम वेव, अरे बच गया फिर भी वो। डीजी पंच हमें कंफ्यूज कर देता है ना कभी कभी, करता मतलब मैंने, या फिर डायनेमिक पंच होता है वो तो, शायद शायद वो डायनेमिक पंच होता है। तारबिया हो चुका है लेवल 30 का, 33 का। ओके टेक डाउन के लिए क्या हो सकता है अभी? ये बाद में करेंगे, वो सही मूव रहेगा अभी के लिए तो। टेक डाउन की ज़रूरत नहीं है। स्वाइन ऑफ एक ग्राउंड टाइप होता है ना, सो ग्रास टाइप पोकेमोन पावरफुल रहते हैं उसके सामने, या फिर वो आइस टाइप तो नहीं होता ना, दिक्कत ना हो जाए।
ट्राई करके देख लेता हूँ अर्थक्वेक। ये तो हमारा दिया पोकेमोन है, उसने इवॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया। मैंने ही दिखाया था इसे, ये पोकेमोन लिया था मतलब, और हमें उसके बदले में बीजल मिल गया था। ओ डबल हिट, अच्छा मूव है। और को एक सही मूव, पची रिसु के लिए भी नहीं, पची रिसु के लिए इन्फर्नेप सही पोकेमोन है उसके। डिस्चार्ज इन्फर्नेप हरा तो देगा पची रिसु को। राउट टू 110, ओके 210 पे है वो लोग। मुझे मिल गया सीक्रेट पोशन, सोचा चलते है गाइस वापस इससे रूट, कोई रूट पे ये पहुंचा देती है मुझे इतना पता है। 207 यहाँ पे, अरे ये तो अंदर पहुंचा है इसने, क्या हम पहले आए हुए यहाँ पे। चलो चलते है गाइस, ये बैटल क्यों करना चाहते हैं मुझसे, नहीं ये केव नहीं थी और मुझे जहाँ तक याद है कुछ इस साइड था जो भी था। साइड यहाँ पे नहीं था, मुझे नहीं पता यार क्या कहाँ पे जाना है। नीचे रास्ता है नहीं, इस साइड एक ही रास्ता है, तो देखो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। ऑल राइट गाइस, हम पहुंच चुके हैं एथर्ना सिटी और मुझे अभी तक नहीं पता चला कि रूट 210 कहाँ पे है। तो आज का एपिसोड आज हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको मज़ा आया, अगर वीडियो पसंद आया गाइस तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।